देखिए, ये बात पूरे देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी होना चाहिए कि जो कोविशील्ड वैक्सीन देश के अंदर घर घर में लगाई गई, उस कोविशील्ड वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर और जो उसकी मेन कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये बात कही है कि उनकी वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट ये हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, प्लेटलेट काउंट कम होता है और उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब चीजें। बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में ऐसे हजारों वीडियो YouTube, WhatsApp के माध्यम से हमने देखे जिसके अंदर जवान हष्टपुष्ट स्वस्थ लोग डांस करते करते गिर गए, गुजर गए। गरबा करते करते लड़की गिरी, हार्ट अटैक हुआ, गुजर गई। लड़की की शादी है, वरमाला डाल रही है, हार्ट अटैक हुआ, गुजर गई। शादी में कोई नाच रहा है, हार्ट अटैक हुआ, गुजर गया। लड़का चल रहा है, छींक आई, गुजर गया। ये चिंताएं लोगों के मन में पिछले 2 सालों से है। टीवी अखबार में कई बार ये बात आई कि क्या ये हार्ट अटैक कोरोना की वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, और सरकार ने इसको बार बार नकारा। आज जब उस कंपनी ने खुद ये मान लिया तो सरकार का यह दायित्व है कि वो जनता के लिए अब युद्ध स्तर पे काम करे। क्या टेस्ट हैं जो लोग कराएं, कैसे पता चलेगा कि उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, क्या उनकी ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, क्या उनका प्लेटलेट काउंट गिर रहा है, और क्या किया जा सकता है जिससे अगर उनके ऊपर कोई ऐसा साइड इफेक्ट है तो उन लोगों की जान बचाई जा सके। करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। हम एक दिन से इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई पुख्ता कदम उठा के लोगों को कुछ बताएगी, और जब सरकार ने कुछ नहीं बताया तो हमने फैसला किया कि हम सरकार से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हमें बताइए। एक दूसरा बड़ा फेस करो, मैं थ्रेट कॉल आए हैं और एक तरह से थ्रेट करता है, तकलीफ का माहौल है, ऐसा देखिए, एक बड़ा कमाल का इत्तफाक है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है, क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है, या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है, कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहां बम रखा हुआ है, बच्चों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहां से फोन आ रहा है, लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं, अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। अभी बताते हैं कि जिन्होंने ट्वीट किया उनसे भी पूछताछ दिल्ली पुलिस इसमें ईमानदारी से पूछताछ करे, उनको क्यों लगा ऐसा हो रहा है, किन लोगों ने आज ये खबर स्कूलों के विषय में पहुंचाई, उनके आईपी एड्रेस ट्रेस करी जाए, उनके फोन ट्रेस किए जाए। दिल्ली पुलिस के लिए तो कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया इनकी बात सुनती है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स जो है मोदी जी से रोज मिलने आते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ है। इनको 1-2 दिन के अंदर निकालना चाहिए कि किन लोगों ने ये कॉल करे, ये ईमेल भेजे, इसकी जांच होनी चाहिए। एक दूसरा बड़ा मामला है, अभी जो आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में जब सुनाई हो रही थी अरविंद केजरीवाल के मामले को, ईडी की गिरफ्तारी को लेकर ईडी पे कई सवाल उठाए, कोर्ट के टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष बातों के ऊपर जानकारी मांगी है। पहली बात यह कि जब आप अरेस्ट करते हैं पीएमएलए के अंदर तो प्रावधान सेक्शन 45 का ये है कि आपको आसानी से बेल नहीं मिलती, आप महीनों तक वर्षों तक जेल में रहते हैं क्योंकि बेल बहुत मुश्किल है। तो जब बेल मुश्किल है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अरेस्ट करने का थ्रेश होल्ड भी मुश्किल होना चाहिए, आप ऐसे ही चलते फिरते नहीं किसी को अरेस्ट कर सकते, जब आपके पास पुख्ता कारण हो अरेस्ट करने के तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये साबित कीजिए, केंद्र सरकार ये साबित करे कि ऐसा थ्रेशहोल्ड कौन सा क्रॉस हुआ कि आपको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल से इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप किसी को गिरफ्तार करते हैं बेल के लिए जाता है तो आप कहते हैं हमारी जांच चल रही है, फिर बेल के लिए जाता है कहते हैं हम नया आदमी अरेस्ट कर लिया,
फिर दो महीने बाद एक और आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं हम उसकी जांच कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं इनका आमना सामना कराना है, इनका कन्फ्रंटेशन कराना है, इससे उसके बारे में पूछना है, उससे इसके बारे में पूछना है। यह सिलसिला 2 साल से चल रहा है, आप तो कई वर्षों तक ही चलाएंगे, फिर तो आप किसी को बेल ही नहीं देंगे, कितनी लंबी इन्वेस्टिगेशन आखिर आप चला सकते हैं, ये कोर्ट का सवाल है। और एक महत्वपूर्ण सवाल कोर्ट ने पूछा, जब आप 2 साल से किसी चीज की जांच कर रहे हैं तो ऐसा क्या विशेष परिस्थिति बन गई कि चुनाव आचार संहिता लगते ही लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, ये बात भी आप कोर्ट को समझाएं। मुझे लगता है कि ईडी को इसका जवाब कोर्ट को देना पड़ेगा। अभी रिजर्वेशन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने कही थी कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है, रिजर्वेशन का केस नहीं हो सकता, उनका ये इशारा था कि जो ओबीसी एसटी से उसका रिजर्वेशन आप मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी का मानना बड़ा स्पष्ट है, हम भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने नहीं देंगे, रिजर्वेशन खत्म करने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें सारा देश एक हो जाएगा, मगर इनको हम लोग बाबा साहब का संविधान नहीं बदलने देंगे।